ओके यार, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली और नॉट एवरीवन? यस यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके फाइन। ओके माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल, इज देयर एनी डाउट फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? एनीथिंग, एनी सेक्शन? नो सर। नो सर। ओके फाइन, नो डाउट सर। ओके वेरी गुड यार, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट देन आवर नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट पार्ट। ओके तो हमने भी क्या डिस्कस किया हुआ था? हमने डिस्कस किया हुआ यार हाउ टू कैलकुलेट वेरियस टाइप ऑफ एरर्स, ठीक है? सो फॉर अभी हमने डिस्कस किया वेरियस टाइप ऑफ एरर्स। फिर मैंने बताया कि यार एरर में हमें बहुत टाइम ऐसा रहता है कि सपोज फॉर्मूला कैसा है, मल्टीप्लीकेशन का, दैट एक्स वी आर कैलकुलेटिंग इज ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है? तो डेफिनेटली विल बी मल्टीप्लाइंग सम क्वान्टिटीज, बट प्रॉब्लम क्या होता है? सपोज लेट्स से our quantity is like 12.5 and if I multiply it with 3, बताओ क्या result आएगा? So 5 into 3, 15, 1, 6, 7, 3. Clear? अभी point ये है कि should I write it this or should I round off this 5? ये मन में thought आता है, okay? या फिर let's say I say 10 divided by 3, so ये value कितनी आ जाएगी? 3.333. so how many 3 I should write? Point समझ आ रहा है? so error बताते समय मैंने बताया था कि अभी हम error part पे calculate करते हैं, कितने digit लिखना है वो हमारा second part है, हम देखेंगे, ठीक है? जी सर। now कितने digit लिखना है उससे पहले भी हमें एक चीज देखनी पड़ती है, क्या? round off, कि अगर हम ये 3 रिमूव करेंगे तो कैसे राउंड ऑफ करते हैं। सो हमारा टारगेट है कि हमें कितने डिजिट लिखना चाहिए, ये सेक्शन आज हमें स्टडी करना है, तो उसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा राउंड ऑफ से, कि राउंड ऑफ क्या चीज होता है, कैसे करते हैं। आई गेस होपफुली सब लोग को पता ही है, बहुत ही बेसिक सी बात है राउंड ऑफ। कुछ चीजें नहीं पता होंगी वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? सो अगर मैं बात करूं, अभी हम देखेंगे क्या राउंड ऑफ करना। चलो राउंड ऑफ रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे फर्स्ट रूल क्या है? इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, यस, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन उसको रिमूव ऐसे ही कर देते हैं या कुछ चेंजेस आते हैं फिर? चेंजेस आते हैं। क्या होता है? सर वो लेफ्ट वाला बढ़ता है। ओके ओके, सो अगर 5 से ज्यादा नंबर को रिमूव किया हुआ है हमने, सो लेफ्ट वाले को क्या करते हैं? एक इंक्रीज। हाँ, सो इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन वी इंक्रीज इट्स लेफ्ट नंबर बाय, और प्रेसिडेंट बोलते हैं इसे, और लेफ्ट नंबर, लेफ्ट डिजिट बाय 1, ठीक है? सो ये बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, बाय 1 होगा। अच्छा, उस 5 को क्या करेंगे? रिमूव मतलब गायब कर देंगे क्या? मतलब लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, बताओ मुझे 5 को राउंड ऑफ करना है, सॉरी 6 कर देता हूं अभी के लिए, 6 को राउंड ऑफ करना है, तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा? 2, 3, 5। इज इट ओके और कुछ मिसिंग है? जीरो। बताओ भाई क्या मिसिंग है? सर जीरो लगाने के जगह जीरो लगाएंगे। अच्छा सपोज मैं लिखता हूँ 2, 3.46, अभी 6 को राउंड ऑफ करता हूँ, बताओ क्या होगा? 2, 3.5। अच्छा क्या चेंजेस है? यहाँ पर तो मैंने जीरो लगाया, यहाँ पर जीरो नहीं लगाया, मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं। एग्जैक्टली, तो ये ध्यान देना है कि 5 को रिमूव करना है अगर वो डेसिमल नंबर है, और अगर विदाउट डेसिमल है तो 5 को जीरो बना देना है। Clear? Yes, sir. So, if
इट्स अ डेसिमल नंबर देन फाइव जस्ट वैनिशेस और अगर ये क्या है इट्स अ नॉन डेसिमल नंबर If it's a non-decimal number, then 5 is replaced by 0. Zero. Okay. So as simple as that. Simple सा example देख सकते हैं जो अभी मैंने बताया क्या point है. Simple example like 2, 4, 2, 4, 3, 6. Rounding off to 3 digit. Its last digit. तो क्या value आ जाएगी अगर 6 को round off करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2, 4, 4, 0. और अगर same number है 2, 4.36, then rounding off. बट पॉइंट यहां पर है कि क्या मैं यहां पर जीरो कंसिडर करूंगा सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अगर जरूरत है तो जीरो ला सकते हैं अभी सो फॉर अभी जरूरत नहीं है बट आगे मैं दिखाऊंगा कि अगर जरूरत होगा तो आप ला सकते हो तो ये जो मैंने लिखा इट इज नॉट अ रिजिड रूल कि नहीं ये वैनिस ही होगा मतलब जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं समझ आया बस पॉइंट ये है कि हम इसमें जीरो लिखेंगे नहीं जबकि इसमें जीरो लिखना पड़ेगा ही ओके अच्छा सेकंड पॉइंट अगर फाइव से कम है तो भी आपको पता है क्या होगा सिर्फ वैनिश होगा यस इफ द नंबर इज less than 5 or 0 se replace ho ha 0 se replace then it can be removed directly without any effect okay yes aur 0 ki jo baat hai wo main fir se ab likh nahi raha hu main samajh gaya ki ye bahut hi common sense wali baat hai na yaar 0 ko तो ये आप लोग डील कर लेंगे बहुत ही कॉमन सेंस की बात है एग्जांपल सिंपल आइडिया है सपोज लिखा हुआ है क्या राउंड ऑफ करना है 8, 3, 6, 2 सो इसको हमें क्या करना है लास्ट डिजिट ओके राउंडिंग ऑफ लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा ये 8, 3, 6, 0 क्लियर है यार ये तो मतलब बहुत ही बेसिक सा है किसी को भी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए 8, 3, 6, 0 और अगर मैंने लिखा हुआ 8.362 राउंडिंग ऑफ द लास्ट डिजिट तब क्या आ जाएगा 8.360 यस वेरी गुड यार तो ये तो बहुत ही मतलब बेसिक सा आइडिया था अपन ने ऐसे देख भी लिया 8.36 लिख सकते हैं 2 को हटा दिया ठीक है अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेन पॉइंट आता है कि जब 5 होगा तब क्या करेंगे बताओ किसी को ऑलरेडी पता है क्या डज एनीवन नो व्हाट विल हैपन इफ इट इज अ 5 सर 5 के पीछे वाला डिजिट चेक करेंगे 1 है क्या ऑड है उस ओके वेरी गुड यार आयुष आपने बोला ना शायद इवन ऑड रिलेटेड कुछ यस सर ओके ओके वेरी गुड यार द एक्चुअल आईडिया इज इट विल डिपेंड अपॉन इट्स प्रीवियस नंबर एंड द अपकमिंग नंबर दोनों पे डिपेंड करेगा आइडिया ठीक है मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ आप समझे दोनों पे डिपेंड करेगा व्हेन द नंबर टू बी राउंडेड ऑफ इज 5 नंबर टू बी राउंडेड ऑफ इज 5 देन दो रूल आते हैं
दो रूल आते हैं क्या, इफ देर इज नो और देर इज इफ देर इज सम अदर नंबर राइट साइड ऑफ इट, ओके, और इफ इट इज नॉट द लास्ट नंबर और इफ इट इज नॉट द लास्ट डिजिट. इसका मीनिंग क्या है, मीन्स इट्स राइट साइड देर आर सम नंबर्स और नंबर्स मीन्स अदर देन जीरो, अदर देन जीरो. तो फिर क्या करते हैं, तब कोई रूल नहीं फॉलो करते, सीधा एक ऐड कर देते हैं, ओके. सो देन क्या सिचुएशन होती है, देन फाइव इज रिमूव्ड विद इंक्रीजिंग लेफ्ट डिजिट बाय वन. क्लियर? यस. ओके, तो इसका एग्जांपल मतलब क्या है, इसका एग्जांपल समझ लेते हैं. इसका एग्जांपल क्या है, पहले पार्ट का एग्जांपल, पहले पार्ट के एग्जांपल बहुत ही क्लियर है. क्या अगर मुझे राउंड ऑफ करना है, लेट्स से क्या नंबर है, टू थ्री सिक्स फाइव टू, और मुझे राउंड ऑफ करने हैं कितने, ये दो डिजिट राउंड ऑफ करने हैं. अभी ये फाइव राउंड ऑफ करना है, तो वो देखो यहाँ पर टू है या जीरो है, मतलब कोई नंबर है ना. यस सर. हाँ, सो राउंडिंग ऑफ टू थ्री डिजिट क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 23700. कोई डाउट क्या? No. ये पॉइंट समझ आया. प्रॉब्लम है इस टू के साथ, अगर फाइव के साइड पे टू कुछ है, मतलब कोई एक नॉन जीरो नंबर है, तो हमें डेफिनेटली एक इंक्रीज करना है विदाउट एनी हेजिटेशन. क्लियर ना? यस सर. तो अगर मैं यहाँ पे लिख दू 23.652 राउंडिंग ऑफ टू थ्री डिजिट, क्या हो जाएगा ये सेम. क्या हुआ, ये हो जाएगा 23.6 को हम क्या कर देंगे, सेवन. okay. ये हुआ राउंडिंग ऑफ का फर्स्ट रूल. सेकंड रूल क्या है, कि अगर राइट साइड पे कोई नंबर नहीं है, जीरो है, क्या है, राइट साइड पे कोई नंबर नहीं है, इफ द फाइव इज लास्ट डिजिट, ओके, इफ द फाइव इज लास्ट डिजिट और देर आर नो नॉन जीरो नंबर. नॉन जीरो मतलब जीरो हो सकता है, नॉन जीरो मतलब वन टू थ्री फोर नहीं है. सो इफ द फाइव इज लास्ट डिजिट, इफ द फाइव इज लास्ट डिजिट और there are no non-zero number after it, then the number before it is kept even. Kept even. इसका मीनिंग क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इवन है तो नो इफेक्ट, अगर ऑड है तो एक इंक्रीज करके क्या बना देंगे, इवन. सो इफ इट्स ऑड देन इंक्रीज वन टू मेक
इवन, और अगर ऑलरेडी इवन है तो इफ इट्स ऑलरेडी इवन देन नो इफेक्ट. ओके ओके सर. हाँ तो मुझे लग रहा है राउंडिंग ऑफ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा सबको. इस एग्जांपल को मतलब इस सेक्शन को थोड़े से और एग्जांपल से देख लेते हैं. सपोज मैं एक नंबर लिख देता हूँ, मैंने नंबर लिखा हुआ है क्या 2 या लेट्स से 6 3 5 2 लेट्स से पॉइंट, या लेट्स से पॉइंट पहले लगा देते हैं 6.352. अभी बताओ इसे राउंड ऑफ करना है ये डिजिट तक, मतलब सॉरी 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 को राउंड ऑफ करना है. क्या ये वाला रूल लग रहा है या पहले वाला रूल लग रहा है? पहले वाला रूल लग रहा है. बिकॉज ऑफ दिस 2 हम क्या बोल देंगे, डायरेक्टली बोल देंगे कि 5 क्या होने वाला है, एक ऐड करके ही जाएगा. रुको इसे इवन कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो. ये सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस 2 आंसर क्या आने वाला है 6.9 आएगा. 0 आप लगा सकते हो, नॉट एन इश्यू. ठीक है 0 आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब 6.850 है. अब बताओ अभी क्या होगा 6.8. यस इवन विल रिमेन इट इवन, तो इट विल रिमेन 6.8. और अगर मैंने यहाँ पर 6.350 किया सो क्या होने वाला है ये 6.4. वेरी गुड यार, तो ये डेफिनेटली हो जाएगा 6.40. तो यार अभी बताओ राउंडिंग ऑफ का रूल सबको क्लियर हुआ या नहीं? जी सर. यस सर. वेरी गुड. सो इस अगर ये जीरो है बाद का नंबर तो इसे चेक करेंगे. अगर ये इवन है सो नो इफेक्ट, इवन है तो इवन ही रहेगा, और अगर ये ऑड है तो इसे एक ऐड करके इवन बना देंगे. ओके क्लियर ना? लेकिन अगर फॉलोड बाय ये नंबर है तो फर्क नहीं पड़ता कि इवन है ऑड है, अपन ऐड करेंगे. सो मुझे लगता है राउंड ऑफ इज नॉट अ प्रॉब्लम. क्लियर ना सबको राउंड ऑफ? यस सर. हाँ क्योंकि राउंड ऑफ का आगे यूज होता है इसलिए मैंने पहले राउंड ऑफ क्लियर कर दिया. ओके नेक्स्ट टर्म है. आप एक बार काफी ऐसे वर्ड्स देखोगे. थिंग इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? मतलब ये होता है मैग्नीट्यूड मतलब उसका अमाउंट. क्या यार मैग्नीट्यूड मतलब उसका अमाउंट. मतलब अगर मैंने बोला यार अर्थ का मास का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, तो मतलब मैंने लेट्स से बोला हुआ है कि ठीक है अर्थ का मास है 6 × 10^23. इतना एग्जैक्ट नहीं है, बता रहा हूँ लेट्स से रफ फिगर. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? सो यार बाय डिफॉल्ट ऑर्डर का मतलब होता है, पहले तो इसे लिखो साइंटिफिक फॉर्मेट में. इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्मेट क्या होता है, किसी एक नंबर को राइट साइड पे एक डिजिट बचा के रखना है. मतलब सपोज मेरे को लिखा हुआ है 35, सो इसे मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली इसे लिखूंगा 3.5, इन टर्म्स ऑफ 3.5. क्लियर? यस. साइंटिफिक फॉर्मेट इज टू राइट इट वन डिजिट इन द लेफ्ट साइड. ओके अभी प्रॉब्लम ये कि 35 को ऐसे 3.5 लिख दोगे क्या, मतलब ये तो गलत ही हो जाएगा ना. सो क्या लिखेंगे हम एग्जैक्टली? इनटू 10 टू द पावर 1. सो अभी मेरे पास है लेट्स से 35 5. सो डेफिनेटली इसे फिर मैं क्या लिखने वाला हूँ 3.5. और 10 टू द पावर क्या यूज होगा देन? 2. सबको ये क्लियर है टू चेंज इट इनटू द पावर? हाँ सर. ओके अभी लिख भी देता हूँ मैं. तो ये जो 10 की पावर है इसी को ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं. बट कुछ बुक में मतलब हमें क्लियरिटी रहती है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है मतलब 10 टू द पावर ही पूछा है, बट कुछ बुक में पूरे को ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं. तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, एज पर द ऑप्शन काम करेंगे. सपोज ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं 3 4 6 9, सो मतलब डेफिनेटली सिर्फ क्या लिखा हुआ है ये पावर. और अगर ऐसे लिखो है 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 5,
मतलब समझ गया पूरा 10 के साथ दे दिया है, क्लियर ना? हाँ, तो वो आप क्लियर रखेंगे, दोनों चीजों को ही हम बोल सकते हैं। पहले बात करेंगे साइंटिफिक फॉर्मेट में नंबर को लिखना। सो ओके, साइंटिफिक फॉर्मेट मतलब हमें कैसा लिखना है उसे? एक नंबर से मतलब वैसे लिख। साइंटिफिक फॉर्मेट मतलब लेफ्ट पे एक नंबर रहना चाहिए। तो मैं बहुत सारे एग्जांपल पे कर लेता हूँ तो आप समझ जाएंगे। सपोज लिखा हुआ है 32891 या 32800। बताओ इसे साइंटिफिक फॉर्मेट मतलब क्या लिखेंगे? 3.28 into 10 to the power 2। देखो दो जीरोस, दो जीरोस, हमें ऐसा कुछ ऐड करना चाहिए कि वापस से ये नंबर वही बन जाए। तो इसमें जब हम 4 जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये नंबर वापस ऐसा आएगा ना। तो इसका मतलब ये नंबर कितना हो जाएगा? 4। ओके ठीक है। So, यहाँ पर समझना है कि राउंड ऑफ जो हमने सीखा है वो देखेंगे हम कि कहाँ पे हमें यूज करना है। अभी सिर्फ हमने सीखा है राउंड ऑफ। सिमिलरली हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना भी सीख रहे हैं, कैसे यूज करना है वो आगे बताता हूँ। अभी कुछ और नंबर पहले पिक कर लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है 681200000। बताओ ये क्या हो जाएगा? 6.81 into 10 raised to 7 by 7। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने 2.3 पे यहाँ पर पॉजिटिव पावर ले ली तो जीरोस में कैसे ऐड करता जाऊंगा? आगे ऐड करता जाऊंगा मतलब ऐसे। सो ये बन जाएगा 2300 likewise, अगर प्लस पावर। बट मुझे क्या चाहिए? डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करना है। सो कितने डिजिट शिफ्ट करना है? अभी ये 2.3 है, मुझे चाहिए इसे 00 पॉइंट। तो मतलब पहले 2.3 था, मुझे कितने डिजिट शिफ्ट करने हैं? 3। सो इसका मतलब क्या हुआ? 3। पावर क्या आने वाली है यहाँ पर? -3। क्लियर? यहाँ तक ओके है? या डेफिनेटली सबको ये चीज ओके है? यस सर। तो अभी करना क्या है, इन द साइंटिफिक फॉर्मेट ये जो नंबर है अगर ये 5 से कम है, अगर ये 5 से कम है तो इग्नोर कर देते हैं टू गेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अदरवाइज क्या करते हैं, इसे 10 की तरह काउंट करते हैं। सो आई विल राइट इट इन दिस रिप्रेजेंटेशन। टू गेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम क्या करते हैं, इफ नंबर इज लेस देन 5, इफ नंबर इज लेस देन 5 तो क्या हो जाएगा? सो 5 से कम है सो इसे क्या कंसिडर करेंगे? रिमूव कर दो। ओके, रिमूव डायरेक्टली। क्या रिमूव डायरेक्टली? और अगर ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा है इज इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन 5, सो क्या करेंगे? अगर 5 से बड़ा है तो मैंने बताया 10 कंसिडर कर लेंगे। सो विल बी कंसिडर्ड एज 10।
सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 10. सो अभी समझ जाओ यार, अभी तुरंत आ गया आइडिया. कैसे? एग्जांपल वाइज लिख के दिखा देता हूँ. क्या हो जाएगा? सपोज लिखा हुआ है क्या, 3, 4, 2, 9, 0. सो इस नंबर को क्या लिखेंगे अपन? 3.429 ठीक, इनटू 10 टू द पावर 4. और बिकॉज ये नंबर क्या है, 5 से less than 5. यस, इट्स लेस देन 5. तो क्या करेंगे यार, इसे भूल जाएंगे, इसे रिमूव कर देंगे और हमें अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे कि हमारा आंसर फिर कितना आएगा, 10 to the power 4. सो इधर 4 को, मतलब मैं बोल रहा हूँ कुछ बुक्स इधर 4 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं या फिर पूरे 10 to the power 4 को. पता है एक्चुअल में हमें क्या एज्यूम करना चाहिए? एक्चुअल आइडिया है कि ये पूरा एज्यूम करना चाहिए, इस पूरे को क्या मानना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. बट कुछ बुक्स ये बाय डिफॉल्ट मान लेती हैं कि यार पावर तो 10 में ही होगा ना, तो कुछ बुक्स में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिर्फ क्या लिखा होता है, 4. सो इन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन सम बुक्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो क्या कंसिडर किया जाएगा, 4. ओके ठीक है. सो अभी ऐसे ही एग्जांपल पिक कर लेते हैं, आप समझ गए आइडिया को, लिख लेते हैं. सपोज मैंने लिखा हुआ है 6, 4, 3, 0, 0, 0. सो डेफिनेटली आप समझ गए क्या हुआ ये, 6.43 × 10⁵ और जब इसे अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन 5 है. सो इसे कैसा कंसिडर करेंगे, 10. सो इट्स ग्रेटर देन 5. सो क्या हो जाएगा, इसे अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करेंगे 10. तो मतलब ये हुआ, ये लिखा हुआ है क्या है, ये लिखा हुआ है, इसे हमने 10 मान लिया और 10 to the power 5. सो टोटल कितनी हो गई, 10 to the power 6. अच्छा अब यार कुछ बुक्स में बहुत ही गलत सा स्टेटमेंट लिखा होता है, दैट विल इंक्रीज पावर बाई 1. मतलब राउंड ऑफ में क्या करते थे, नंबर को 1 ऐड करते थे. तो यहाँ पे लिख देता है विल इंक्रीज द पावर बाई 1. ऐसा नहीं होता, अगर इंक्रीज बाई 1 करोगे तो कई बार मिस हो जाता है. सपोज ऐसा लिखा हुआ है ये, अब बताओ इसे क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम कैसे, 8.22 × 10⁻³ तक आएगा यहाँ पर. बट अभी ये नंबर क्या है, अगर आप इसमें पावर इंक्रीज करोगे तो ऐसा लगेगा कि -3 से क्या बन जाएगा, ये -4. बट ऐसा नहीं बनेगा, इसलिए वो स्टेटमेंट ही याद नहीं रखना है, सिंपल याद रखना है जो मैंने बताया. इफ इट्स ग्रेटर देन 5 तो क्या करना है, 10 एज्यूम करना है. इसे क्या एज्यूम करना है, 10. अब सोचो 10 to the power -4 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर कम हो जाएगी ना. क्या आंसर आएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, -2. यार बताए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्लियर है या नहीं? Yes. एक बार फिर से क्रॉस चेक कर ले, तीनों एग्जांपल देखें, तीनों एग्जांपल क्लियर है या नहीं? Yes. क्लियर है. ओके ओके देन. हाँ सर ठीक है. ओके देन, ये एरर्स वाले पार्ट का एक सेकंड सेक्शन, लास्ट वाला पार्ट अगर हम डिस्कस करें. तो अभी हमने दो चीजें देखी हैं जिनको आगे यूज करेंगे. हमने क्या देखा, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, और क्या देखा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ठीक है ओके. इसके बाद ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही ज्यादा इस पे क्वेश्चन आते हैं और इस पे क्वेश्चन आगे फिजिक्स में कई जगह पे भी पूछे जाते हैं. द टर्म इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, द टर्म इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब इसे समझे है क्या, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है. ओके
तो यार सिग्निफिकेंट फिगर समझो, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है एग्जैक्टली? सिग्निफिकेंस एक इंग्लिश का टर्म है, एक सिंपल टर्म है, आप लोग जानते हैं ना सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस। सो यार डेफिनेटली सोचो, प्रॉब्लम पता है किन की आती है, इट इज लाइक कि मतलब यार जो अच्छे लोग हैं उनका इम्पोर्टेंस तो रहेगा ही ना, जो मतलब जिनका कोई वैल्यू नहीं है उनको देखना पड़ेगा कि यार इस पर्टिकुलर केस में इम्पोर्टेंट है या नहीं। मतलब मैंने सपोज लिखा 2, 3, 4, 1, ऑल दीज आर डिजिट्स, सो ऑफ कोर्स दे आर इम्पोर्टेंट, उनका इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 0, तो 0 का यार इम्पोर्टेंस उतना नहीं होता। 0 का इम्पोर्टेंस किस पे डिपेंड करता है? प्लेस पे। सपोज ये लिख दिए 0, इम्पोर्टेंस है क्या इनका? नहीं है इम्पोर्टेंस, नहीं है। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स में विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फिगर इन फिजिक्स। ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया नहीं सर ये तो है, मतलब नहीं मेरे को पसंद है ये 0, आपको पसंद से कुछ मतलब नहीं है। फिजिक्स कैलकुलेशन में उनका क्या रोल है वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा यार नेक्स्ट पॉइंट मैं पहले से वार्निंग दे देता हूँ, मतलब आप लोग हमेशा देते हैं देखते हैं, मैं पहले से ही बता देता हूँ कि यार बुक्स में किस टाइप की चीजें हैं, आप कहाँ पर कंफ्यूज होंगे। तो इवन एनसीईआरटी, आपने अगर सिग्निफिकेंट फिगर एनसीईआरटी में पढ़ा टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं आने वाला। मैं बहुत ही सिंपल वे पे बताऊंगा, बस आपको क्या करना है थोड़ा सा लर्न करना है। अगर आपने लर्न कर लिया ना तो मतलब कोई सा भी क्वेश्चन करो सब बन जाएगा, मतलब माइंड भी यूज नहीं करना, ब्रेन यूज करना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको ध्यान देना है। ऑल्दो मैं लॉजिक बताऊंगा व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस लर्निंग, बट आपको मतलब समझ लेना है कि हाँ सर ऐसा होता है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? यस ओके। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या है, 7 रूल्स है। अगर वो रूल्स अच्छे से लर्न कर लिए, अभी क्या एनसीईआरटी में वो रूल ऐसे लिखे ही नहीं है 1-2 करके, उसमें तो क्या स्टोरी लिखी है पूरी। अब स्टोरी पढ़ के तो समझ में नहीं आने वाला है, मतलब खुद कंफ्यूज करते हैं वो। तो मैंने उनको बहुत ही शॉर्ट में लिखा दिया आपको रूल्स, अगर आपने रूल माइंड में रखे तो सिग्निफिकेंट फिगर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सो रूल याद रख लोगे ना, देख लेते हैं एक एक करके। पहला रूल, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब क्या हुआ, मतलब ये तो आप ऑलरेडी जान गए। सपोज मैंने लिखा है 4321.2, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, फिगर्स मींस नंबर्स, तो 485 कितने हैं? 5। किसी को डाउट क्या, किसी को इसमें डाउट कुछ नहीं? बहुत ही मतलब सिंपल सा रूल है यार, इसमें लर्न क्या करना है इतना। सपोज लिखा हुआ है 2212, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। सिंपल सी बात है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, कैसे भी लिखे हों, डेसिमल में लिखे हों, किसी भी तरीके से लिखे हों, वो क्या है हमेशा सिग्निफिकेंट। ओके फर्स्ट रूल ओके है, कोई डाउट क्या? नहीं सर, मैंने पहले भी बताया था नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो की हमें चेक करने हैं, जीरो को चेक करना है। तो चले जीरो को चेक कर लेते हैं इन अ नॉन डेसिमल नंबर, ध्यान देना अच्छे से, नॉन डेसिमल नंबर, और सॉरी पहले लिख लेते हैं इन एनी नंबर द जीरो इन बिटवीन द जीरो इन बिटवीन एनी टू नॉन जीरो नंबर्स इज सिग्निफिकेंट, क्लियर? मतलब क्या है इसका समझे? बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक सा रूल है यार, मतलब रूल भी कहना इसको मतलब थोड़ा समझ रहे ना कम अच्छा है। क्या लिखा हुआ है,
कि अगर दो नंबर के बीच में जीरो आ जाए तो डेफिनेटली वो यूजफुल है, बताया था ना यार, जीरो वैसे तो वर्थलेस है बट कहाँ पर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका वर्थ हो सकता है। तो मैंने लिखा हुआ है 2 3 0 2 1, सो यार ये जीरो इग्नोर कर दोगे क्या? नहीं नहीं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5 5 5, ठीक है। मैंने लिखा है 1 0.003 या 2 3, अभी बताओ क्या बीच के जीरो इग्नोर करोगे क्या? नहीं। अगर नॉन जीरो नंबर के बीच में तो इन्हें काउंट करेंगे, कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 6 6, क्लियर ना? ओके, थर्ड रूल, इन अ नॉन डेसिमल नंबर द ओपन जीरोस, ओपन जीरोस मतलब फ्री जीरोस, द फ्री जीरोस बिफोर और आफ्टर अ नॉन जीरो आर इनसिग्निफिकेंट। अब देखना है, अब ये आपको थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगेगा। क्या सरप्राइजिंग? देखना क्या लगेगा, अगर मैंने नंबर लिखा 0 0 0 2 3 4 6 0, ये तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। कितने? 4। अब जरा थर्ड नंबर का रूल पढ़ो, क्या है? फ्री जीरोस मतलब उनके बाद कोई डिजिट नहीं है, अगर डिजिट होगा तो रूल नंबर 2 आ जाएगा ना, समझा? बीच में अगर बाद में डिजिट आ गया तो रूल नंबर 2, ये 1 लिख दिया तो ये सारे तो काउंट हो जाएंगे, बट दीज आर फ्री जीरोस। अब रूल पढ़ो क्या लिखा है, बिफोर आर आफ्टर, फ्री जीरोस अगर स्टार्ट में है या एंड में है काउंट नहीं करते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स और डिफरेंस क्या है, रुपीज देखो, रुपीज 24300, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा ना ये जीरोस का, लेकिन फिजिक्स की रीडिंग में ये जीरोस का भी कुछ वर्थ नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सब 10 की पावर में चले जाएंगे यार, बचेगा सिर्फ कितना, 2.40, समझा ना? यस सर। तो बस आपको, आप सोचो यार, सिंपल सी बात है, अब अगर इस वाले रूल में आप अपना ब्रेन यूज करने लगोगे, नहीं सर 1 मिनट, तो यार वो 1 मिनट बेकार है, क्योंकि आप, हमारा जो ब्रेन है वो सीधा रुपीज वगैरह से फील करता है, डेली लाइफ से। तो डेली लाइफ में तो यार 2 4 3 और 0 0 लगा दिए तो बहुत वर्थ है ना ये जीरो का, समझे या नहीं? हाँ, लेकिन फिजिक्स में वो टोटली इनसिग्निफिकेंट है। सो ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना है, क्या भाई मतलब दिमाग यूज करना है, इधर पे नहीं यूज करना, ओके? सो ये जीरो काउंट नहीं करेंगे और इधर के जीरोस भी नहीं काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। सो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कौन से होंगे? 4 2 3 4 6। क्लियर या नहीं सबको? हाँ सर क्लियर। ठीक है, सो एग्जाम्पल भी देख ही लेते, मतलब एग्जाम्पल क्या ही देखना है। अगर मैं बात करूँ 0 0 2 4, सो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 2 2। अगर मैंने बात की 38000, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 2। यही यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्यों? क्योंकि ये हमारी बेसिक लाइफ से थोड़ा डिफरेंट है। क्या हमारी बेसिक जो हम सोचते हैं यूजुअली उससे ये डिफरेंट है, इसलिए पक्का ये गलत होता है। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद रहेगा क्या ये वाला? यस सर। नॉन डेसिमल नंबर, आगे के जीरो भी काउंट नहीं करने, ठीक है ना? यस सर। ओके, फोर्थ रूल, विद अ डेसिमल, क्या विद अ डेसिमल?
in a decimal number, the free zeros of left are insignificant while of right side are significant. अब ये रूल भी डाइजेस्ट नहीं होगा, मैं बता रहा हूं ये रूल में भी ज्यादा कॉमन सेंस लगाया तो गड़बड़ हो गया. तो क्या करना है, क्या करना है, लर्न रखना है. लर्न करके रखोगे कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें. तो समझ ले रूल का मतलब क्या है. रूल का मतलब ये है कि अगर लिखा हुआ है 0.00320 तो क्या आइडिया है बताओ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है एज पर द रूल. अगर रीड करें फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स. अरे फिर से पढ़ो, थ्री लेफ्ट के इनसिग, हाँ थ्री नहीं काउंट करने, कहाँ का देखना है, राइट राइट साइड का. सो डेफिनेटली ये वाला काउंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है, और इधर वाले इनसिग्निफिकेंट होता है. तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट में कितने आ जाएंगे, तीन फिगर्स. वेरी गुड. तो आई गेस आप लोग को आइडिया आ गया सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, थ्री. अब थोड़े से चेंजेस कर, मतलब चेक कर लेते हैं एग्जांपल्स. ओके सपोज लिखा हुआ है 3.0021, ये जीरो काउंट नहीं करोगे क्या, करोगे, करेंगे. दीज आर नॉट थ्री जीरो, ये तो बीच वाले है ना. हाँ सर, समझा ना, ये इनसिग्निफिकेंट नहीं है, ये मिडिल जीरोस हैं, इन बिटवीन. सो डेफिनेटली उन्हें काउंट करेंगे, लेफ्ट राइट मत समझ लेना. तो कितने होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइव. ठीक है या अभी और एग्जांपल देखे, अगर मैंने लिख दिया हुआ है 0.0100, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, थ्री. वेरी गुड यार, आप लोग बहुत जल्दी कैचअप कर लिए. ये वाले काउंट करेंगे तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, थ्री. ठीक है एक और एग्जांपल फिर देख लेते हैं, 0.02430 तो कितने हो गए इस बार, फाइव. ये वाले जो है वो काउंट करते हैं अपन लोग, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइव. यार बस इतना ही है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, समझ आया या नहीं बताओ यार. चलो फिर से देखें, दो ही रूल है यार. देखो मतलब मैं फिर से समराइज करता हूँ, देखो समराइज करता हूँ यार. अगर ऐसे लिखा है या फिर ऐसे लिखा है तो ये जीरो काउंट नहीं करने, मतलब बेसिकली अगर विदाउट डेसिमल है तो सिर्फ बीच के नंबर ही देखने हैं, समझा या नहीं. यस yes. अच्छा अब बहुत ही सिंपल है, अगर मैंने लगा दिया क्या डेसिमल, तो मैंने लगा दिया 0.024300, तो डेसिमल लगा दिए तो भाई इधर वाले काउंट कर लेने हैं और इधर वाले काउंट नहीं करने. बताओ यार क्लियर हुआ या नहीं. हाँ सर क्लियर हो गया. क्लियर ना सबको, बस. और मैं गारंटी बता रहा हूँ ये फिर से भूल जाता है, ये चीज भूल जाती है. तो ये दोनों रूल माइंड में रखने हैं, नॉन डेसिमल इधर भी कैंसिल इधर भी कैंसिल, डेसिमल इधर कैंसिल और इधर वाले पकड़ काउंट करेंगे. ओके ठीक है, तो ये हो गया कौन से काउंट करेंगे कौन से नहीं. नेक्स्ट change of power has no significance in
determining the significant figures. Okay, मतलब क्या बताना चाहता हूं सुने. बहुत ही सिंपल सा आइडिया, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है. क्या मैंने लिखा 2.33 इंटू 10 to the power 6. क्या इस 6 से कुछ मतलब है? क्या हमें पावर का क्या काम है? कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है. ठीक है, इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला. तो आंसर हमारा किसकी तरफ रहेगा? इसकी तरफ. क्या आंसर आ जाएगा? 3 6. बताओ कोई डाउट क्या किसी को? नहीं नहीं. ओके, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया 3. अभी देखना है, अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैं चेंज कर रहा हूं. अभी बताएंगे, लिखा हुआ है 0.02023 इंटू 10 to the power 4. ठीक, अभी बताओ इसमें देख के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 है. किसे टारगेट करेंगे? पावर को भूल जाओ, सिर्फ इसे देखेंगे. और ये डेसिमल है विदाउट डेसिमल? विद डेसिमल. डेसिमल है तो डेसिमल में इधर वाले काउंट नहीं करते, आगे वाले काउंट करते हैं. तो डेफिनेटली कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2. सोचो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा? 2300. नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं, अभी नहीं, अभी काम नहीं बना. एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें और क्लियर होगा ये पॉइंट. अभी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है. अभी देखना 0.08520 इंटू 10 to the power 6. कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बताओ? 4. अरे सिग्निफिकेंट डिजिट है. ठीक है ठीक है, सबको डाउट आ रहा है मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है. तो देख लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा? ये नंबर बन जाएगा 85200. क्लियर या नहीं? तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं पहले बताओ? यहाँ पर सिर्फ 3 है. 4 है. यहाँ पे 4 है. 4 है. अच्छा वहां पे 4 है. हाँ, पेन नहीं दिख रहा क्या कहाँ पे चल रहा है? क्यों? ठीक है, अरे सुनो सुनो आराम से, फिर से वापस से आते हैं. अगर विदाउट डेसिमल नंबर है तो इधर के जीरो भी काउंट नहीं करते और इधर के जीरो भी नहीं काउंट करते. अगर डेसिमल नंबर है तो इधर के जीरो काउंट नहीं करते, बट इधर के जीरो काउंट करते हैं. कितना सिंपल है. प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर मैंने पावर को मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्वेश्चन बदल सकता है. ऊपर बदला क्या? ऊपर नहीं बदला, इसलिए थोड़ा मैंने ये एग्जांपल पिक कर लिया. क्या कि अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे सिर्फ ये कितने? 3. तो बताओ विच इज द करेक्ट आंसर, 3 or 4? 3 लग रहा. बताओ क्या लग रहा? अच्छा ऐसे ही आप लोग को क्या लग रहा है? 3 लग रहा है सर. पावर्स वगैरह अगर कुछ यूज करो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए. हाँ सर. तो बेसिकली आइडिया इज, अब मेरे से ये डाउट मत पूछते रहना सर अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो गया. अरे नहीं करना मल्टीप्लाई, जो क्वेश्चन में दिया है उसको ही आंसर करते हैं, चेंज नहीं करते हैं. क्लियर ना? मतलब करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर फॉर सिग्निफिकेंट फिगर इज 4. इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा डू नॉट चेंज और सॉल्व द पावर. क्लियर? आंसर ऑलवेज आंसर
just by analyzing the given number. Clear? जो हमें नंबर दिया है, अगर हमें दे दिया है क्या 85200, सो आंसर क्या होगा 3. सॉल्व नहीं करने लग जाना है, क्या आप इसे पावर में सॉल्व करने लग गए, और अगर लिखा हुआ है 0.08520 ज्यादा जीरो ऐसे, तब हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है देखो और आंसर कर दो. समझ आया कि नहीं सिग्निफिकेंट फिगर्स में? यस सर. तो इसका मतलब ये हुआ. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है क्या? द चेंज ऑफ यूनिट सिस्टम हैज नो इफेक्ट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? हाँ. इसका मतलब क्या हुआ समझना, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, या लेट्स से ये ले लेते हैं. लिखा हुआ है 1.50 meters. क्लियर? इसमें कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर एंड फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, सो कन्वर्ट 1.50 meters इनटू सेंटीमीटर एंड फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर. समझ आया क्वेश्चन? तो क्या हो जाएगा बताओ, 1.5 को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में कैसे कर लेंगे बताओ आप लोग? 1.50. यस. सो अगर 1.50 meters है तो क्या करेंगे सेंटीमीटर के लिए इनटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 150 centimeters. अब बताओ इसमें इस लेफ्ट में जो नंबर लिखा है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3. क्योंकि डेसिमल वाला है, राइट साइड वाला काउंट होगा, लेकिन नॉन डेसिमल नंबर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2. 3. 10 पर 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एग्जैक्टली. सो रियल में जो बिहाइंड द सीन चल रही है स्टोरी वो ये है कि ऐसे कन्वर्ट ही नहीं करते. अब आप बोलोगे सर मतलब हम तो ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं. यार सही है, ऐसे ही कन्वर्ट करना होता है, बट कहां पर नहीं कन्वर्ट करना जब क्वेश्चन किसका हो? सिग्निफिकेंट फिगर्स का. तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि यार अगर आप बहुत ज्यादा लॉजिक पर रिलाई करोगे तो पक्का एग्जाम में शीट में सब क्वेश्चन गलत कर दोगे. आपको क्या करना है, थोड़ा सा लर्न करना है कि यार ठीक है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स थोड़ी सी अलग चीजें हैं, इट्स बेटर कि हम लर्न कर ले. क्लियर है ना? यस सर. ओके ठीक है. सो करेक्ट आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा. करेक्ट आंसर सिग्निफिकेंट फिगर एज 3. क्लियर? व्हाई? बिकॉज इन यूनिट चेंज देयर हैज टू बी नो चेंज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. सो बेसिकली ये 1.50 meters विल बी रिटेन एज 1.50 × 10⁻². यार बताए सारे रूल्स हुए, किसी को कुछ इसमें डाउट या नहीं? सर नो डाउट. सर अगर आर से मिनट में कर रहे हैं तो फिर तब क्या करेंगे, मतलब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू में? हाँ मतलब पॉइंट ये कि अगर लिखा हुआ है 36 × 40 hours, मतलब सॉरी आपको लिखा हुआ है 36 hours, ठीक है, इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में करना है. तो सेकंड्स में करना है, सो 36 hours × 3600 करोगे आप?
यस सर ठीक है तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा आपने पूरा यूनिट चेंज कर दिया तब पॉइंट ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी भी 2 रहने चाहिए इसका मतलब क्या हुआ आपको बताता हूँ चलो सिंपल सा नंबर ले लेते हैं सिंपल सा नंबर ले लेते हैं इसे 1 आर क्लियर 1 आर इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे सो 1 × 3600 करेंगे क्या आंसर आया 3600 सेकंड कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर 1 तो इन लार्ज कैलकुलेशन पता है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स किन के लिए है ये कॉमन यूजुअल कैलकुलेशन के लिए नहीं है दीज आर फॉर साइंटिफिक और लार्ज कैलकुलेशन तब मैं इसे भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहूंगा 1 सो मुझे 6 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा कितना 4000 और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना ही रहेगा 1 अब आप बोलोगे सर 1 आवर को 4000 सेकंड कैसे लिखेंगे नहीं मैं बता रहा हूँ कि जब इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हमें उसे सॉल्व करना है तो लार्ज कैलकुलेशन में हम ये इग्नोर कर सकते हैं उसे 4000 की तरह लिखेंगे ठीक है सो इसलिए क्या किया जाता है इनिशियली आवर्स को कंसिडर ही नहीं किया जाता तो अगर क्वेश्चन बोल दिया है कि 3 आवर्स लिखा है अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे अगर मैं इसे किसमें कन्वर्ट करूं सेकंड में तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कुछ डिफरेंट आंसर आ जाने वाला है तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 1 बट ये क्वेश्चन ही क्या है एब्सर्ड है ये क्वेश्चन ही गलत है हम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेस लेते हैं वो किसे लेते हैं सेकंड को अब कोई पूछेगा कि आर्स कितने होंगे तो जो 36 का डिवाइड करेंगे तो इट विल बी लाइक 3.000 आवर्स ऐसे लिखेंगे मतलब अगर मैं इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ 3600 × 3 कितना हुआ इतना सो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें 3 तो पता है फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे 3.00 आवर्स इसमें भी सिग्निफिकेंट कितने हैं 3 समझा तो आर से सेकंड में कन्वर्ट करना मतलब एब्सर्ड है क्योंकि रेफरेंस हम किसे लेते हैं सेकंड्स को तो सेकंड्स को सॉल्विंग में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने होंगे आर्स में कन्वर्ट करने के बाद भी उतने ही आंसर देंगे ओके यस सर हाँ सो आपका डाउट ये हुआ आपका डाउट ये होना चाहिए था कि अगर 10800 सेकंड लिखा है और इसे पूछा है आर में कन्वर्ट करो तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे आंसर अभी भी कितना रहेगा 3 क्योंकि हम इसे लिखेंगे 3.00 आर समझा क्या आइडिया सबको यस सर ओके चेंज ऑफ यूनिट विल हैव नो इफेक्ट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स सो एक बार समराइज कर लेते हैं रूल्स चलो कोई स्टूडेंट समराइज कर सकता है लिस्ट पूरे रूल्स फर्स्ट 6 रूल्स फर्स्ट कोई स्टूडेंट है बताए आयुष जी सर बताओ फर्स्ट रूल क्या था सर नॉन जीरो जो नंबर होते हैं ना सारे सिग्निफिकेंट होते सो 3, 2, 1, 4 लिखा है ऑल 4 आर सिग्निफिकेंट सेकंड रूल सर बीच वाले जो जीरोज होते हैं ना दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में वो सिग्निफिकेंट होते हैं तो कितने होगा इसमें 5 नेक्स्ट थर्ड रूल सर मतलब अगर नॉन डेसिमल के केस में लेफ्ट और राइट में अगर जीरोस है ना तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं ओके सो बेसिकली ये भी वेस्ट और ये भी वेस्ट सिर्फ कितने आ गए 3 वो भी ये वाले फोर्थ रूल डेसिमल के केस में राइट साइड पे जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं लेफ्ट वाले नहीं होते ओके सो बेसिकली ये जीरो काउंट हो गया जबकि ये जीरो काउंट नहीं हुए तो इस बार सिग्निफिकेंट में कितने आ गए 3 यार सबको समझ आ रहे हैं सारे रूल यस सर ओके फिर पावर वाले में 2.4 × 10⁻³ लिखा है कुछ फर्क क्या नो सर सिर्फ इसे देखेंगे ओके और यूनिट चेंज में कोई फर्क आएगा क्या नहीं ओके सिग्निफिकेंट फिगर सबको क्लियर है या नहीं
हाँ सर क्लियर है। यस क्लियर है। अभी ये तो सिंगल था ना, सिंगल नंबर का सिग्निफिकेंस। फिजिक्स में ऐसे सिंगल नंबर पूछेगा क्या आपको? नहीं, फिजिक्स में आपको क्या रहेगा, फॉर्मूले पूछेगा। याद है हम देख रहे थे कि ये और ये ऐड किया तो फाइनल आंसर कैसा दिखेगा। सो बेसिकली हमें देखना चाहिए कि कॉम्बिनेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे देखते हैं, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मेरा मतलब है फॉर्मूला, मतलब डिफरेंट फॉर्मूले में कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को एडजस्ट करना है हमें। ठीक, कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, अगर हम बात करें कि सपोज नंबर वन, क्वेश्चन क्या हो सकता है, सम कर सकते हैं या फिर सबट्रैक कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखना यार, अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दो नंबर का, तो पता है काम की बात क्या है, क्वेश्चन में साफ साफ दे देता है कि सपोज मास ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज 20.3 kg एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज 1.2 kg, बताओ व्हाट शुड योर फाइनल आंसर तो ऑफ टोटल मास। ऐड करेंगे क्या आएगा, 21.5। अब क्वेश्चन कहता है आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके पास कितने हैं, टू। तो यार फाइनल के पास थ्री होने चाहिए या टू, फाइनल के पास मिनिमम होने चाहिए, कितने मिनिमम। अब मिनिमम क्यों, समझना सिग्निफिकेंट फिगर्स आर लाइक की क्वालिटी ऑफ रीडिंग बताने वाले हैं। तो सपोज आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आपको 20% एरर आई, और आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आपको 5% एरर आई, और आपने दोनों को मिक्स किया, तो यार किस एरर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो छोटे वाले को नहीं देंगे, क्योंकि साइंटिस्ट लोग तो ढूंढते हैं ना कि एरर कहाँ है। हाँ। तो प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा, बड़े वाले को। बड़े वाले को, मतलब जो लेस सिग्निफिकेंट है उसमें एरर ज्यादा हो रही है उसको ही हमें ढूंढना होगा, मतलब इसमें एरर ज्यादा हो रही है हमें इसे ही सर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसे अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा दो के लिए, तो इस फाइव को क्या करें, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का रूल, फाइव के आगे कोई नंबर है क्या, अगर फाइव वन होता तो ये डेफिनेटली क्या बनता, 22। अगर नहीं है तो चेक करेंगे कि ये नंबर क्या है, ऑड है क्या, ऑड है कि इवन, ऑड है तो क्या बन गया 22। अगर ये 23 होता तो डेफिनेटली आंसर क्या रहता, 23। तो अभी आंसर क्या आ जाएगा अगर हम इसे लिखें तो 22 kg। लेकिन ये बुक्स में होता है, बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा होता है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन में भी देखोगे, गूगल वगैरह पे बहुत सारी साइट्स रहती हैं देखोगे, बट मैं बता रहा हूँ ये गलत है। तो रूल क्या है कि जब भी हम कभी ऐड या सबट्रैक्ट के बारे में बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर दो, तब हमें सिग्निफिकेंट फिगर सोचना ही नहीं होता है। क्लियर। सो व्हेन द कैलकुलेशन involves plus and minus, then do not think about significant figures. Okay. Clear? सिग्निफिकेंट फिगर सोचना नहीं है, क्या सोचना है, ऑलवेज आंसर बेस्ड ऑन डेसिमल प्लेसेस,
अब डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं? डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है नंबर आफ्टर द डेसिमल. सो डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है? डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. क्लियर? हाँ सर. डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. सो मतलब अगर आप ऐड या सबट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान देना है? डेसिमल प्लेसेस ध्यान देना है. क्लियर? अब करना क्या है डेसिमल प्लेसेस ध्यान देने का मतलब? इसका मतलब ये है कि जो आपका फाइनल आंसर होगा उसमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए. क्लियर? सो ऑलवेज आंसर बेस्ड ऑन द डेसिमल प्लेसेस एंड फाइनल आंसर विल हैव मिनिमम मिनिमम ऑफ ऑल क्वांटिटीज सॉरी मिनिमम डेसिमल प्लेसेस ऑफ ऑल क्वांटिटीज. मतलब अब आपको समझाता हूँ विद एग्जाम्पल. ये पूरा जो रूल है ये थोड़ा सा जस्ट लर्निंग के लिए कि आपको समझ में आ जाए, बट इसका काम नहीं. मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत ही क्लियर समझाता हूँ. ठीक है? एग्जाम्पल वाइज समझे. एग्जाम्पल सपोज मैंने आपको दिया एक एम वन मास है, वो कितना है? 20.05 kg. दूसरा मास है 1.3 और लेट्स से 1.3 kg. सो टोटल मास 21.35. ओके, सो टोटल मास हो जाएगा 21.35 kg. ठीक? अब देखना इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2. तो बुक्स में लिखा होता है कि हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होनी चाहिए? इट शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम ऑफ 2 and 4 जो ऊपर यूज हुए हैं. तो 2 and 4 में मिनिमम क्या है? 2. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए? 2. अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 लाओगे तो इसे क्या करना पड़ेगा? फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 21.5 को राउंड ऑफ करेंगे तो 3 क्या बन जाएगा? 4. और इस 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 21 kg. ये आंसर होना चाहिए एज पर द सिग्निफिकेंट रूल्स. ठीक? लेकिन इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में सोचते ही नहीं है. इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर लिखूंगा इसे और इसे, दोनों ही चीजें क्या हैं? रॉन्ग. क्या? इन सम और सब्ट्रैक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट लुक्ड. ओके, क्लियर? सो हमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखना, हमें क्या देखने हैं? डेसिमल प्लेसेस. तो बताओ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? इसमें कितने हैं डेसिमल प्लेस? डेसिमल प्लेस मतलब क्या होता है? कितने नंबर से पॉइंट? डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. तो कितने डिजिट है? 2. और यहां पर कितने हैं? One. अरे आंसर में भी कितने होने चाहिए? One. One और टू का मिनिमम. तो आंसर में कितने होने चाहिए? वन और टू का मिनिमम. तो कितना होना चाहिए? सो इन टर्म्स ऑफ डेसिमल अगर बात करें, मैं फिर से लिखता हूँ. एम वन कितना था? 20.05. एम टू कितना था? 1.3 के जी.
सो डेफिनेटली आंसर जो हमारा एड हो क्या है वो आया 21.35 केजी, बट हमें एक्चुअल में रखने हैं, अगर हम इसमें बात करें डेसिमल प्लेस कितना है 2, इसमें कितना है 1. तो लॉजिक क्या है कि क्वेश्चन में कहेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, बट आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखना है, क्या देखना है डेसिमल प्लेस. तो फाइनल में आंसर क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर डेसिमल प्लेस क्या होने चाहिए, इट शुड बी मिनिमम ऑफ 1 or 2 में मिनिमम क्या है 1. सो मतलब डेफिनेटली आंसर में कितना होना चाहिए 1 decimal place. क्लियर? यस सर. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे 1 decimal place में लेके आना. सो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 21.4 kg, ये करेक्ट आंसर होगा हमारा फाइनल. समझाया नहीं? यस सर. यस 1 decimal place. आई गेस सबको समझ आ गया ये. तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, पेरीमीटर वगैरह मेजर कर रहे हैं तो वहां पे हम चीजों को ध्यान देंगे कि आंसर किसमें सोचना है हमें, मिनिमम डेसिमल, इनके बारे में सोचना है डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस के बारे में. ठीक है, नंबर टू. नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, सो नेक्स्ट पॉइंट है क्या, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड. क्या मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड? And divide. तो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में अब यहां पर हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर सोचते हैं. सो यहां पर आंसर किसके टर्म्स में करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो फाइनल आंसर हैज मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स minimum significant figures of the solving quantities. अब समझना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एग्जाम्पल वाइज आपको समझाऊं, एग्जाम्पल वाइज समझाऊं, सपोज लिखा हुआ है क्या 3.50 into 4.0. ठीक, तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, या 4 बस लिख लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 14. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आया 0.014. ठीक है, ये आया, समझे? बट आंसर देखना सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसा दिखेगा. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3. इसमें कितने हैं? 1. तो आपका आंसर डेफिनेटली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2. अरे 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 4 है. ठीक है, सो ये डेफिनेटली क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. अच्छा, तो हमने क्या किया, इसको जीरोस को हटा दिए, क्या लिख दिया इसे 14. तो अभी क्या करेक्ट है, क्या 14? नहीं. क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2. तो अभी भी ये इनकरेक्ट हो गया. क्या करें, 4 शुड बी राउंडेड ऑफ. सो टू ब्रिंग इट टू 1 significant figures, 4 should be rounded off. तो अभी समझ आया कि राउंड ऑफ क्यों करते हैं? यस सर. सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में आंसर देने के लिए
सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? One. Four should be rounded off. ये approximately four को हटा देंगे अपन, four को हटा देने वाले हैं, तो ये क्या बन जाने वाला है? Ten. अगर ये 16 होता तो क्या आंसर आता है? 20. यार क्लियर है ना? हाँ. तो ये फाइनली 10 करेक्ट आंसर है हमारा. 10 इज करेक्ट आंसर. ये क्या है? करेक्ट आंसर है बिकॉज इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? One. तो अगर अगर कभी एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि फोर्स बताओ, अगर मास है 3 और वेलोसिटी है 2.3, तो आंसर कितना होगा? 6.9. एक मिनट सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल. फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ और टू एक्सेलरेट अ 4 केजी मास विद 2.1 और 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? तो देखे क्या आंसर आ जाएगा. क्लियर आंसर देखें. सो फोर्स कितना आ जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब 4 × 2.2. क्या आंसर आया? 8.8 न्यूटन. बट अभी इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1. ठीक. 2.2 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2. सो फाइनल आंसर में भी कितने होने चाहिए? फाइनल आंसर शुड हैव 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो ये मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ. 8.8 इज इट करेक्ट और नॉट? डेफिनेटली नॉट करेक्ट. करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट बिकॉज फाइनल आंसर शुड हैव 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? सो मुझे लगता है सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बहुत ही क्लियर आ गया. तो क्या अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं तो ऑफकोर्स ये इधर राउंड ऑफ हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 9.0 न्यूटन. बताओ अभी ये करेक्ट है क्या? नहीं है. क्यों? क्योंकि जीरो काउंट होता है ना अगर डेसिमल लगा है. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 9 न्यूटन. यार बताए क्लैरिटी आया सबको? लॉजिक है, फिर से वापस आते हैं. अगर एड या सब्ट्रैक्ट है तो क्या ध्यान देना है? डेसिमल प्लेसेस. सिग्निफिकेंट फिगर सोचना ही नहीं है. क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सोचना ही नहीं है. क्या सोचना है? डेसिमल प्लेसेस. और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो सिग्निफिकेंट फिगर सोचना. चलो ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं. डिवाइड का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. सो क्या हो जाएगा? लेट्स से फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इफ मास of its 0.05 meter cube volume is 22 kg. अब देखना कितना रैंडम आंसर आने वाला है. देखना आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे आंसर को. देखें डेंसिटी क्या हो जाएगी रो. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम. तो देखें क्या हो गया डेंसिटी. यहाँ से मास कितना है? 22. वॉल्यूम कितना है? 0.05. ऊपर जीरोस ऐड करोगे 5. कितना है सॉल्व होके? 440. ये आ गया केजी पर मीटर क्यूब. अब ध्यान देना,
अब समझना प्रॉब्लम ये हुआ, इसे नहीं देखना है, किसे देखना है, इससे, इसे अगर देखे तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, टू और यहाँ पर थ्री है, अरे वाह यार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। अगर डेसिमल नंबर है इधर वाले काउंट करते हैं, इधर वाले नहीं करते, नहीं काउंट करते यार, कितना सिंपल बता दिया ना यार, मुझे लगता है इससे सिंपल तो मतलब कोई नहीं बताने वाला आपको, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया यार, ऐसे देख सकते हैं। तो क्या करेक्ट आंसर है क्या? नहीं, नॉट इन टर्म्स ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? तो ऑफ कोर्स आप जान गए क्या होगा अप्रोक्सीमेट आंसर फिर इसका, वन सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लाएंगे, क्या करेंगे इसे, क्या करेंगे टू ब्रिंग इट इन वन सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, क्या होगा इसका राउंड ऑफ फिर यार, ये डिजिट प्रॉब्लम कर रहा है ना, अगर ये हटा दिए तो आगे के जीरोस तो काउंट नहीं होते क्योंकि डेसिमल ही नहीं है, तो इसे क्या कर दें, अगर ये 6 होता तो फिर क्या करते इसे 500 तो समझ आया, तो क्या आंसर आएगा 400। आंसर बहुत ही अजीब लग रहा है आपको, बट आंसर डेफिनेटली इसी तरीके से आएगा अगर हम इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर देना चाहते हैं। तो यार सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल समझ में आए कि नहीं, पहले तो सिर्फ रूल्स देखने हैं, एकदम फ्लुएंट रहना ये रूल को, और फिर प्लस या माइनस वाला, और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले, ये चीजें ध्यान देनी। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं, प्रैक्टिस शीट थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके, प्रैक्टिस शीट वापस आते हैं, प्रैक्टिस शीट सॉल्विंग, ओके। सो प्रैक्टिस शीट में आपको क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, 27 से स्टार्ट करना है, अभी याद सिखा दिया ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वगैरह, अभी देखो इसमें पूछा है क्या, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर, तो यार 10 टू द पावर पूरा लिखा है क्या, नहीं, मतलब डेफिनेटली वो सिर्फ क्या जानना चाह रहा है, पावर, पावर जानना चाह रहा है। सो देखना क्या करेंगे इसे, हम क्या लिख देंगे, 8.243 इनटू 10 टू द पावर 3, ये समझा कि नहीं, यस सर। अभी ये नंबर क्या है, 10 से 5 से बड़ा है, तो इसे क्या मानेंगे, 10, तो आंसर क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, 4। मैंने बताया कुछ बुक्स में कभी कभी क्वेश्चंस में सिर्फ पावर को ही लिख देता है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा ये, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4, ठीक है ना, ठीक है। फिर बात करें, फिर आप समझ गए, मतलब आप कन्वर्जन सीख लेंगे, आप समझ जाएंगे। अब जैसे देखो इसमें 10 टू द पावर में पूछा है ना, क्या पूछा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन लाइट ईयर, चलो बताओ यार वन लाइट ईयर कितना होता है इन टर्म्स ऑफ मीटर, 10 टू द पावर, पूरा बोले ना, ना 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 गलत बोल रहे हो यार, पूरा बोलो, 4.96 मीटर, क्लियर, अब बताओ यार इज करेक्ट आंसर दिस, हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसे क्या मानेंगे, व्हाट इज द करेक्ट आंसर देन, 10 to the power 6, समझा या नहीं, बताओ यार समझा या नहीं, करेक्ट आंसर ये होगा। सो ऐसे आपको प्रैक्टिस कर लेना है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन 27 ऑनवर्ड्स, और एरर वगैरह के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरे, तो क्वेश्चन 77 तक डिस्कस करेंगे। अभी सुनो, आज जो मैंने सिखाया है वो कहाँ तक है, आज जो मैंने सिखाया है वो क्वेश्चन है
27 से ठीक है 42 तक, कहाँ तक 42। यार अभी सब लोग देखे एक बार अच्छे से कि आज जो मैंने टुडे जो आज लेक्चर 10 है, कौन सा लेक्चर नंबर 10, उससे क्वेश्चन नंबर कहाँ तक है 27 to 42। जो लेक्चर 7, 8, 9 है उनसे क्वेश्चन है 43 to 70 कहाँ तक था 75 तक, ठीक है। तो यार बहुत ही सिंपल है, जिन लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं वो एक बार ये लेक्चर नोट्स रिवाइज करके सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन करने के लिए ये लेक्चर्स आपको रिवाइज करने होंगे, फिर आप समझोगे। सो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि ये लेक्चर जरूर रिवाइज कर ले नोट्स, ठीक है। कुछ डाउट रहे तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूछ लेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम कल क्वेश्चन करेंगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, वो हम क्वेश्चन के थ्रू नोट करेंगे, और जो भी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे उसे कॉन्सेप्ट नोटबुक में ऐड कर देंगे। ओके मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी चीजें आप न्यू, जैसे आप लोग डीसी पांडे सॉल्व कर रहे हो, जो भी न्यू चीज मिले आप उसे कॉन्सेप्ट नोटबुक में ऐड कर दो। ओके चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट कल डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे कल। ओके चलो ठीक है यार, फिर मतलब अभी कुछ अगर डाउट रहता है आज एक बार नोट्स गो थ्रू करो, कुछ भी डाउट रहता है तो फिर कल पूछ लो वापस से, ठीक है। स्टार्टिंग में अपॉर्चुनिटी रहती है, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके अगर कुछ और डाउट है यू कैन व्हाट्सएप मी। हाँ सर, या प्रैक्टिस भेज सकते हैं क्या? हाँ व्हाट्सएप करो आप, आई विल सेंड। बाय द वे मैं ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ, मैं ग्रुप पे फिर से एक बार पोस्ट करता हूँ शीट। ओके ओके सर, ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye sir. Bye sir. Bye sir. Thank you. Bye sir. Bye bye all of you.